के प्रताप स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व जिला परिषद की जिला कार्यकारी अधिकारी अर्पिता शुक्ला की मौजूदगी में हुआ। इसे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मार्च पास्ट की सलामी दी व जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने झंडारोहण कर प्रतियोगिताओं को शुभारंभ की घोषणा की। जिला कलेक्टर ने महिला क्रिकेट का बल्ले से बॉल को हिट कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रतियोगिताओं में पूर्व टीम प्रभारियों से परिचय किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने प्रताप स्टेडियम में प्रतियोगिताओं की तैयारी की सराहना करते हुए एसडीएम व उनकी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जितना अच्छा ये मैदान है, जहाँ गाँव में खेल का मैदान नहीं है वहाँ नरेगा के माध्यम से खेल मैदान स्वीकृत कर प्राप्त कर सकते हैं। भू आवंटन दानदाता अपनी जमीनी दान देकर सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने एसडीएम व विकास अधिकारी से कहा कि वे ये जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें, ये साबित करके दिखाएं कि राजगढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गांव में प्रतिभाओं के लिए खेल मैदान बने। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में करीब 2800 टीमें हैं जिनमें से 32,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ब्लॉक राजगढ़ ब्लॉक में 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी जिला व राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए, खेल को प्रतिस्पर्धा मानकर खेले, प्रतिद्वंद्वता मानकर ना खेले। वहीं चिरंजीवी योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक को पूरे राजस्थान में ऐसा बना सकता है कि जिसमें प्रत्येक घर को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। इस अवसर पर एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल, तहसीलदार जुगीता मीणा, डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल, थानाधिकारी इंद्र यादव, जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप, पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, एनएल वर्मा, राजेश शर्मा, ठेकेदार सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।